आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है, एक बार से हमारे बीच फिर है कशिश गुप्ता जी पक्ष लीगल से। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सर आपसे कि जो ये 2A वर्सेस 2B वर्सेस 3B वर्सेस बुक्स कौन सा ITC हम लें, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से जो 2B है वो लीगली हमारे ऊपर बाउंड हो जाता है। पिछले साल 2B आया था, लेकिन हम कह सकते हैं ट्रायल बेसिस पर आया था, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन अब 2B की क्या इम्पोर्टेंस है, इसे कैसे हम मैच करें, और क्या इसके आने से हमारा काम बढ़ गया है या काम हमारा कम हो गया है, तो थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा। सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए। और आज का जो टॉपिक है ये वाकई चर्चा का विषय है कि 2B का क्या काम है, काम बढ़ गया है कम हो गया है। तो सब लोग मार्केट में इसके लिए थोड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं, आज थोड़ा पॉजिटिव बोलते हैं जी, क्योंकि हर काम गलत नहीं होता, कुछ सोच समझ के ही हुआ है तो कुछ पॉजिटिविटी तो होगी ही इसमें। तो जो हमारे ओरिजिनल स्कीम थी लो की, वो यही था कि सब कुछ आपके 3 में ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम धीरे धीरे देख रहे हैं तो आज की डेट में लोग ऐसा ही बन रहे हैं कि अगर आप ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं या आप ई वे बिल इशू कर रहे हैं, राइट, तो टू दैट एक्सटेंट तो आपका GSTR1 बन ही रहा है, राइट, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और 2B से कहो या 2A से कहो, ITC तो आपके ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं, इवन सारी टेबल्स भर के आके आ जाती हैं। तो हम वैसे उसी मॉडल में जा रहे हैं कि आपको रिटर्न ऑटो पॉपुलेट हुई मिलेगी, आपको बस वेरीफाई करनी है, सबमिट करनी है। कुछ टॉलरेंस लिमिट है कि 5% तक 2B के बैलेंसेस हिला सकते हो तो वो रेड कलर नहीं दिखाएगा। तो रेड कलर का मतलब ये नहीं है कि आप सबमिट नहीं कर सकते, सबमिट कर सकते हो। हाँ, तो एक बस टॉलरेंस लेवल दिखाता अपना। तो ये पॉजिटिविटी है कि हम एक ऑटोमेटिक लॉ की तरफ चल रहे हैं, वो परफेक्शन के साथ चल रहे हैं, हाफ परफेक्शन के साथ चल रहे हैं, वो सबके अपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन अब हम ऑटोमेशन पे है, आपको एक इनवॉइस बनाना है, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब आपका बना बनाया मिलेगा आपको। आपने इनवॉइस बना दिया, आपको हार्ड कॉपी लेके अपने गुड्स निकालने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपना रेफरेंस कोड दिखाओ, अगर रास्ते में गाड़ी रुकी है तो वहीं से मैच करके आपकी गाड़ी छोड़ देगा। तो अब हम ऑटोमेशन की तरफ चल पड़े हैं। अब इसमें 2B ने काम बढ़ाया है या कम किया है, तो इस पे मैं ये बताऊंगा कि इसने एक पॉजिटिविटी क्या है। पहले क्या होता था कपिल जी कि 2A एक डायनामिक स्टेटमेंट है, अगर अप्रैल की रिटर्न फाइल की है तो अप्रैल का 2A अपलोड होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, जब तक मेरे सारे वेंडर्स ने अप्रैल की रिटर्न फाइल नहीं कर दी है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मई में होता है, ऐसे ही मार्च में जून में होता है। तो हुआ क्या कि अभी मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, हमने अप्रैल मंथ के क्लाइंट की रिकंसिलिएशन की, चलो हो गई, वो 2A कर लिया रिकंसाइल, 2B भी कर लिया। अब मेरे ऑफिस में डिस्कशन चली कि सर अब हम मई में क्या करेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, मई की रिटर्न, मई का 2A डाउनलोड कर लेना। वो कहते सर इससे बात नहीं बनेगी। मैंने कहा क्यों नहीं बनेगी, डायनामिक है, अपडेटेड है, तो मई तक की डिटेल्स आ जाएंगी। क्या नहीं सर, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि 2A फॉर द मई डाउनलोड करना पड़ेगा, 2A फॉर द अप्रैल डाउनलोड करना पड़ेगा। सही बात है। मैं कहा अप्रैल तो कर लिया आपने, दोबारा क्यों करोगे। कहते अप्रैल भी अपडेटेड हो जाएगा ना सर मई में, अगर किसी अप्रैल के वेंडर ने रिटर्न फाइल कर दी तो। सही बात है। तो मुझे अप्रैल का भी डाउनलोड करना है, मई का भी डाउनलोड करना है, राइट। तो फिर उन दोनों को मैच करना है। तो क्या मैं जी हर महीने एक एक 2A को ऐड करता जाऊंगा और मैं तो 12 गुना काम करूंगा क्लाइंट के लिए, 2B और मैच करूंगा तो 24 गुना काम हो गया। मैंने कहा भैया थोड़े दिमाग भी लगा लो, अब इतना ही क्यों प्रैक्टिकल, इतना प्रैक्टिकल तो चलो थोड़ा। पहले ये दिक्कत थी जो मैंने भी बोली है, अब ये दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने बोला है कि अप्रैल का 2A मई में जितना अपडेट होगा वो तुमको 2B में दे दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो तुमने क्या करना है, मई में 2A फॉर द मई डाउनलोड करना है और मई में 2A फॉर द 2B फॉर द मई डाउनलोड करना है। उसमें अगर अप्रैल का कोई इनवॉइस किसी वेंडर ने रिटर्न फाइल कर दिया तो वो आपको मई के 2B में दिख जाएगा, राइट। तो तुम्हारा काम डबल नहीं हुआ, तुम्हारा काम इजी हो गया। अब तुम्हें डायनामिक ऐसे रोने की जरूरत नहीं है क्लाइंट के आगे कि हमें पता नहीं चलता। अब आपको रिकंसिलिएशन बनानी है और वो रिकंसिलिएशन कैरी फॉरवर्ड करनी है कि 2A का इतना बैलेंस फ्यूचर में मैचिंग के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है, 2B का इतना बैलेंस फ्यूचर में मैचिंग के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एक पॉजिटिविटी है, आप अपना काम ऐसे करें, रिकंसिलिएशन करने की कोशिश ऐसे करें, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट हुआ है तो हमने तो ऐसे स्टार्ट किया है रिकंसिलिएशन करने की तैयारी। इसमें भी कुछ इश्यूज होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे।
अभी तक मुझे इसमें ये पॉजिटिव, अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो सब लोग हमसे पूछते हैं सर 2A वाला ITC ले या 2B वाला ले, तो मैं हर किसी को ये कहता हूँ भैया ITC तो लेना है 2B वाला ही, क्योंकि उसके अंदर रूल 36(4) भी फॉलो होता है। और 2B वाले ITC लेते समय ये बात ध्यान रख लेनी है कि उस ITC को डबल ना ले लेना, क्योंकि 2B में कई ITC ऐसे होते हैं जो पिछले प्रीवियस पीरियड के होते हैं, तो जो पिछले प्रीवियस पीरियड के ITC हैं अगर आपने उन्हें पहले क्लेम कर लिया है तो उन्हें हटा देना। तो इसका मतलब 2A को तो तुम्हें नहीं देखना एक तरीके से, अगर मैं नट सेल में बात करूं सर, अगर हम सिर्फ 2B को देखें तो 2B का ITC ले लो और उसमें से वो ITC लेस कर दो अगर तुमने पुराना कोई क्लेम किया है। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 2B के बेसिस पर ITC ले रहा है तो उसके लिए तो आसान है, उसे तो पुराना वाला भी हटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सारा ITC ही वही ले रहा है जो 2B के अंदर है। सर देखिए, अगर आपको सिर्फ 2B का ITC लेना है, 2A का लेना है, वो तो एक ये कॉल होगी कि मैं तो एक टाइम के बाद आराम से रिकंसिलेशन करूंगा। बिल्कुल। तो फिर कुछ ऐसा से ये भी कॉल लेते हैं कि मैं तो बुक्स का ITC लूंगा, बाद में देखूंगा कि कितना। नहीं, बुक्स के में तो दिक्कत हो जाएगा, कल को 36(4) रिवर्सल आ जाएगा। वही कह रहा हूं ना, वो लोग फिर ये कॉल लेते हैं कि हम बाद में देखेंगे, 6 महीने बाद रिकंसिलेशन कर। तो भैया आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ITC कौन सा लेना है, बार बार बता रहे हैं, सर ने भी यही बताया 2B का ITC आप ले लो, और 2B में पुराना वाला ITC अगर आपने ले रखा है तो उसे छोड़ दो रिकंसिलेशन में। ये चीज़ ध्यान रखना, 2A वाले पे मत फंस जाना, क्योंकि 2A वाला 36(4) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, 2B वाला 36(4) की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर बात करो बुक्स की, तो भाई बुक्स का ITC लो तो आप खतरों के खिलाड़ी हो, क्योंकि बुक्स का अगर आपने ITC लिया और वो आपके सप्लायर्स ने नहीं डाला टाइम से, तो 36(4) का नोटिस आएगा, आपको उसको जवाब देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना। अप्रैल मई जून 2021 का जब आप ITC ले रहे हो तो यहाँ पर तीनों महीने का इकट्ठा देखना है। अप्रैल मई के लिए रिलैक्सेशन मिल गई थी, ऐसी रिलैक्सेशन जून की 3B में नहीं है। तो जो जून की 3B आप फाइल करने जा रहे हो फाइनेंशियल ईयर ये 21-22 की, तो चाहे 20 तारीख को फाइल करो चाहे 22 को 24 को, अपना ITC पूरा मैच कर लेना, 2B के बेसिस पर ले लेना, 13 तारीख से ये काम करना शुरू कर देना, जिससे कि तुम्हें पता लग जाए कि कितने सप्लायर ने डाला, कितने ने नहीं डाला। फिर बता रहा हूँ, 2B में जितना ITC आएगा वो सारा लेना है, लेकिन अगर कोई ITC 2B के अंदर आ रहा है जनवरी का, फरवरी का, आप कर रहे हो जून की, प्रीवियस पीरियड की, तो पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो कि वो ITC जनवरी फरवरी में तो नहीं ले लिया था। अगर जनवरी फरवरी में ले लिया था तो वो आपको क्लेम नहीं करना है, सिर्फ अभी जून वाला ही करना है, चाहे बेशक वो आपके 2B में क्यों ना आता हो। और इसकी जो मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें हैं अपनी मैगजीन में दे रखी है कि आपको कैसे करना है। अगर आपने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आप हमारी मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे किस नंबर से आपको मैगजीन सब्सक्राइब कराई है। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कशिश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। एक और थ्योरी है, थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन है जी, क्योंकि रिसर्च थ्योरी बेस्ड ही होती है। बिल्कुल। तो एक और थ्योरी ऑफ लॉ है, मैं वो शेयर करना चाहूँगा 5 मिनट में। पहले असाइनमेंट क्रेडिट रिजाइन में लो ये था कि क्रेडिट इज अवेल्ड फॉर अ मंथ, राइट। GST में अगर आप अपनी मेमोरी को थोड़ा बैक गियर दो तो ये है कि GST में क्रेडिट रियल टाइम है। रियल। अगर मैं आज अप्रैल 2018 की भी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ या अप्रैल 2019 की या 20 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं देखना कि अप्रैल का 2A क्या है, मुझे ये देखना कि जितना भी मेरा ITC रजिस्टर है वो मैं क्रेडिट अवेल कर लूं अप्रैल के मंथ का, चाहे वो मई में आया हो चाहे वो जून में आया हो, क्योंकि वो रियल टाइम है। आज के डेट में मैं क्रेडिट ले रहा हूं तो आज के डेट में क्रेडिट है तो ले लो। इस थ्योरी के बेस पे आप ये कॉल भी ले सकते हैं कि क्रेडिट विच इज अपियरिंग इन 2A बट नॉट अपियरिंग इन 2B, वो ऐसा क्यों होता है कि वो वेंडर ने रिटर्न या तो फाइल नहीं किया, सिर्फ सेव कर दिए GST R1, सही बात है, या उन्होंने सबमिट किया लेकिन आफ्टर 14th डे ऑफ द मंथ, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ के 2B में आएगा जी। तो ऐसे केस में आप अपना एक शीट बना सकते हो कि ये क्रेडिट अपियरिंग इन 2A बट नॉट इन 2B, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ 2A डाउनलोडेड द स्टेटस इज अपियरिंग दैट द रिटर्न GST R1 इज फाइल्ड एंड इट इज फाइल्ड ऑन दिस डेट विच इज आफ्टर 14th।
तो मैं ले रहा हूँ इसका क्रेडिट, मैं अगली 2B में से इसको रिमूव कर दूंगा, अवेल नहीं करूंगा। हाँ, 36 आएगा वो तो पांच, वो तो देने वाला तो नोटिस सब देंगे। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि डंके की नोक पे डिपार्टमेंट वाली इतनी टेक्निकल, जो कपिल जी कह रहे हैं ना, एक महीने में 5% की वायलेशन हो गई है, नोटिस इश्यू करके दिखा दो। इतनी रिकंसिलिएशन के पॉइंट्स है सर, इतनी रिकंसिलिएशन के पॉइंट्स है, वो रिकंसाइल्ड ही पाता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, 5% तो बहुत ज्यादा ही पड़ जाता है। तो कशिश गुप्ता जी का कहना है कि आप यहाँ पर 2A के बेसिस पर भी ले लो, ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट इतनी माइन्यूटली नहीं करेगा। लेकिन भाई मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ 2B के बेसिस पे लो, जो सबने बताया वो थ्योरी है, तो आप कोई सा भी ओपिनियन ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दे सकें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा हमारा, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और सर का भी चैनल है पक्ष लीगल के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।